Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another IGNOU assignment, Bachelor of Commerce General का ये assignment है BCOS 183 Computer Application and Business. ये 1 July 2024 to 30th June 2025 तक का assignment है. आप लोगों का important है. सबसे पहले ये channel आपका upload कर रहा है इस असाइनमेंट को, तो आप लोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो एज मोर एज पॉसिबल और जल्दी से अपना असाइनमेंट कंप्लीट करो विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. चलो स्टार्ट करते हैं. ये कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस का असाइनमेंट होने वाला है. इसमें मैं सेक्शन ए डिस्कस करूँगी पूरा का पूरा 1 2 3 4 5 क्वेश्चन. सेक्शन बी आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा और सेक्शन सी उसके नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर कंप्यूटर नेटवर्क्स, एक्सप्लेन देयर इम्पॉर्टेंस एंड वेरियस टाइप. तो इसी तरीके से मैंने इसको बता रखा है. आप देखोगे कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है. कंप्यूटर नेटवर्क मतलब होता है कि जब आप दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हो और उससे इंफॉर्मेशन लेते हो, ठीक है, एक दूसरे से शेयर करते हो. सबसे पहले ये जो वर्किंग नेटवर्क आया था, अर्पानेट आया था 1960 के अंदर, ये सब पूरा कंप्लीट. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. क्या क्या ज़रूरी है कंप्यूटर नेटवर्क से, क्या क्या हो सकता है. सो कम्युनिकेशन सबसे पहला पॉइंट है, क्योंकि आप एक डिवाइस दो डिवाइस में क्या करते हो, एक्सचेंज करते हो डाटा को. फिर रिसोर्स शेयरिंग, आप आसानी से फाइल या डेटा या सॉफ्टवेयर एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, मल्टीपल कंप्यूटर्स में अलाउ कर सकते हो. ये आसान है, फ्लेक्सिबल है, आराम से आप डेटा को सिक्योर रख सकते हो और सिक्योरिटी पर्पस से भी ये काम करता है. वायरलेस नेटवर्क है और कॉस्ट भी इसमें कम आती है. नेक्स्ट वन इज़, अगर मैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की बात करूँ तो सबसे पहले आता है नैनो स्केल नेटवर्क. नैनो स्केल नेटवर्क का मतलब होता है जो बहुत ही स्मॉल नेटवर्क्स वगैरह के लिए, सेंसर्स के लिए इस्तेमाल होता है. पर्सनल एरिया नेटवर्क PAN जो होता है, इसमें कलेक्ट करते हो आप मल्टीपल डिवाइसेस, लैपटॉप्स को. फिर आता है LAN लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि स्कूल्स हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है. फिर आता है SAN स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जो कि आपका याद जो कि आपका लाइब्रेरीज वगैरह में काम आता है. और कैंपस एरिया नेटवर्क जो कि CAN है, जो कि यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट एंटिटीज़ में काम आता है. मैन या जो होता है वो यूज़ होता है आपका अक्रॉस अ सिटी. और वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वो होता है स्टेट्स में या कंट्रीज़ में. फिर इसके अलावा EPN, VPN और क्लाउड नेटवर्क भी डिवाइसेस होती हैं नेटवर्क की, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ एक्टिव और पैसिव अटैक्स क्या होता है, एग्जांपल्स के साथ बताना है. तो एक्टिव अटैक्स कौन से होते हैं, जहाँ पे नेटवर्क का इस्तेमाल होता है और नेटवर्क का यूसेज होता है इस तरीके से कि वो कहीं ना कहीं विक्टिम को अटैक करते हैं. जैसे इसमें मैंने एग्जांपल्स भी इंक्लूड कर दिए. डिनाइल ऑफ सर्विस ये एक एग्जांपल है, ठीक है, और SYN फ्लड भी एग्जांपल है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो और PDF के लिए आप कमेंट भी कर सकते हो. ट्रोजन हॉर्स अटैक भी इसके अंदर मैंने इंक्लूड किया है, ये भी नेटवर्क अटैक जो एक्टिव अटैक है उसी का पार्ट है. नेक्स्ट वन इज़ पैसिव अटैक, क्या होता है, जो कि डायरेक्टली अटैक नहीं करता लेकिन इनडायरेक्टली आपके कंप्यूटर के ऊपर या कोई भी फाइल्स वगैरह को डिस्टर्ब करता है. तो इवेज ड्रॉपिंग अटैक इसी का एग्जाम्पल है. ठीक है, इसके अलावा ये आपका इंक्लूड किया है मैंने इसका एक एग्जांपल. नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ई वॉलेट. ई वॉलेट का क्या रोल होता है, क्या फैक्टर्स हैं. तो ई वॉलेट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, जो कि आपका इस्तेमाल होता है कंप्यूटर के थ्रू, ऑनलाइन स्मार्टफोन्स के थ्रू, ठीक है, जहाँ पे आप मनी ट्रांजेक्शन कर सकते हो विदाउट कैश, कैशलेस बोल सकते हो इकोनॉमी. तो इसके क्या हैं, इसके आपके क्या पूछे हैं फैक्टर्स, तो वो फैक्टर्स यहाँ पे ही हैं
कि एज अ कैशलेस इकोनॉमी हम देखते हैं कि ई वॉलेट जो है वो बिजनेस के अंदर कितना ज़्यादा डे टू डे यूज़ हो रहा है अहमदाबाद सिटी के अंदर, और ये सब कुछ आप इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है देखा गया है, स्टडीज़ देखी गई है तो कि अलग अलग जेंडर एज ऑक्यूपेशन के लोग भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। एटीट्यूड जो लिकार्ट स्केल है इसके अंदर भी ये देखा गया है कि ई वॉलेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेल मर्ज, और आपको डिफ्रेंशिएट करना है क्वेरी और मेल मर्ज के अंदर, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मेल मर्ज क्या होता है, एक ऐसा तरीका जहाँ पे आप लेटर्स को डॉक्यूमेंट्स को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो, बना सकते हो या उसमें चेंजेस कर सकते हो। टेम्पलेट ऑफ लेटर स्प्रेडशीट विद अ सेट ऑफ डेटा, ये आप यूज़ कर रहे हो। मर्ज क्वेरी कंबाइंस डेटा फ्रॉम टू और मोर टेबल्स, जब आप डेटा को यहाँ पे आपका डिफरेंशिएट दे दिया, ठीक है, ये इंक्लूड करोगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस प्रेजेंटेशन। बिजनेस प्रेजेंटेशन क्या होती है, तो जब आप बिजनेस के आइडियाज़ को प्रपोजल को अपनी ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते हो तो वो बिजनेस प्रेजेंटेशन होती है। जब आप अपनी बात बताते हो, इंफॉर्मेशन देते हो ना, इसमें क्या बोल रखा है, टाइप्स बताओ और उसके एग्जांपल्स भी दो। तो टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रेजेंटेशन क्या है, इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन जहाँ पे आप फैक्ट्स फिगर्स बताते हो। नेक्स्ट वन इज़ पर्सुएसिव प्रेजेंटेशन जहाँ पे आप अपने व्यू पॉइंट को और लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि आप मेरे ओपिनियन को समझो और मेरी बात को समझो। नेक्स्ट वन इज़ ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन जहाँ पे आप डिज़ाइन करते हो, ट्रेन करते हो ऑडियंस को कि स्किल्स ऐसे इम्प्रूव की जाए, उनको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाते हो, वो ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन में आता है। नेक्स्ट वन इज़ सेल्स प्रेजेंटेशन जहाँ पे आप सेल्स के बारे में डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक को डेमोन्स्ट्रेशन को बताते हो। फिर है पिच प्रेजेंटेशन जहाँ पे आप अट्रैक्ट करते हो इन्वेस्टर को कि वो अपनी फंडिंग सिक्योर करे, आइडिया मार्केट पोटेंशियल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इस तरीके से। नेक्स्ट वन इज़ कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन जहाँ पे आप क्या करते हो, डिफरेंट टाइप की ऑडियंस को गैदर करते हो और अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो, नॉलेज को शेयर करते हो। बोर्ड रूम प्रेजेंटेशन यहाँ पे क्या होता है कि डिलीवर टू बोर्ड मेंबर्स, ये बोर्ड मेंबर्स को दी जाती है परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए कि भाई ये हमारी परफॉर्मेंस है, अब इसके बेसिस पे आप जो भी अपना इम्प्रूवमेंट दिखाना है या जैसा भी आप बता सकते हो। सारी टाइप की जो बिजनेस प्रेजेंटेशन होती है ये बहुत ही केयरफुली प्लानिंग के थ्रू होती है और डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए होती है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस सेक्शन जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ऑलमोस्ट सेक्शन ए। अब सेक्शन बी की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो एज मोर एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।